मेरा नाम स्वाति है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज से किया है और अभी मैं अपना मास्टर्स वुमेन एंड जेंडर स्टडीज से कर रही हूँ। साथ ही एक ऑर्गेनाइजेशन है IYRC, आइडियल यूथ फॉर रेवोल्यूशनरी चेंजेस, जिसके साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ और यूथ एंड एडोलेसेंस के साथ में वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। रूरल इमर्शन में मैंने हरियाणा में नूह और राजस्थान में अलवर, ये दो जगहों पे मैंने काम देखा और सीखा। जैसे हमेशा से मैंने जो भी काम किया है वो एक शहरी एरिया में किया है, कभी भी गांव के एरिया में नहीं किया था, तो ये मेरे लिए बहुत नया था वहाँ पर जाना, सीखना, स्पेशली वहाँ पर रहना। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी कोई ट्रेनिंग हुई है तो हमेशा 2 दिन जाना है, 4 दिन जाना है, फिर जा करके वापस आ जाना है, वहाँ रहना नहीं है। लेकिन आपको 1-1.5 महीने प्रॉपर वहाँ रहना है, उन्हीं लोगों के साथ में रहना है, तो वो मेरे लिए बहुत नया था। वहाँ की चीज़ों को समझना बहुत बारीकी से, कि हर एक एक्टिविटी को देखना कि वो सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से करते हैं, अगर वो एग्रीकल्चर में भी जा रहे हैं, अपने खेतों में भी काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से कर रहे हैं। सिर्फ एक डिजिटल तरीका था, लेकिन उसके साथ में और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जुड़े हुए थे जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहे थे। तो जब मैंने वो चीज़ देखी, जब मैं यहाँ शहर में थी तो दिल्ली में, तो मुझे ऐसा लगता था कि हर एक गली में साइबर कैफे, हर एक गली में अगर मुझे एक फोटोकॉपी करानी है ना तो बगल में जाना है, 2 रुपये देना है, फोटोकॉपी हो जाएगी, चलो हो गया। लेकिन जब मैं वहाँ गांव में गई और प्रॉपर वहाँ पे जब चीज़ें देखी है, तो एक गांव में लोगों के पास एक प्रिंट करने के लिए भी कोई साधन नहीं था, एक प्रिंटिंग मशीन तक नहीं थी। वो लोग 10-10 किलोमीटर तक अपने गाँव से नूह में जाते थे, नूह एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर जाते थे एक फोटोकॉपी करवाने के लिए। तो उनको इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, उनके पास कोई साधन नहीं है ट्रैवल करने के लिए, वो पैदल जा रहे हैं और स्पेशली महिलाएं जा रही हैं, पुरुष नहीं जा रहे हैं। तो उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था कि कोई भी काम होगा तो महिला करेगी, और फोटोकॉपी करानी है, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए फॉर्म लेकर आना है, कोई भी चीज़ हो तो महिला जाकर वहाँ पे करके आती थी। लेकिन DEF के सेंटर्स गाँव में होने से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो इलाका, पूरा गांव, ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक व्यक्ति एम्पावर हुआ है, वो पूरा गांव एम्पावर हुआ है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर सिर्फ एक गांव में हम 100 लोग रह रहे हैं और मुझे फोटोकॉपी कराने के लिए मुझे कोई फॉर्म भरवाना है, मुझे पेंशन चाहिए, तो मुझे इतनी दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन अब वो सुविधा मेरे गाँव में ही है तो मैं इतनी दूर नहीं जाऊँगी, वो चीज़ें मैं अपने गाँव में ही करवा लूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई उस चीज़ से, और मुझे एक चीज़ समझ में और आ गई कि जितना आसान लगता था कि टेक्नोलॉजी एक्सेस करना जितना आसान है, मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं जाऊंगी नेट रिचार्ज करवाऊंगी और हो जाएगा, लेकिन जब आप गांव में जाकर वो चीज़ें देखते हो तो वो बहुत अलग है, वो चीज़ें बहुत अलग है। एक महिला है, उसके फ़ोन में आज रिचार्ज हुआ है, लेकिन 3 महीने तक उसके फ़ोन में रिचार्ज नहीं होगा क्योंकि पैसे नहीं है, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगी। लेकिन वो सारी चीज़ें समझने में और जानने को मिला तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था, और वो मेरे अनुभव को बढ़ाता है। जो डिजिटल दुनिया है वो बहुत बड़ी है, समय समय पे उसमें बदलाव आते रहते हैं, तो ऐसे ही हमें भी अपडेट होना पड़ता है कि आज WhatsApp में अगर एक चेंज आया है तो हमें भी तुरंत एक्टिव होना पड़ेगा और अपडेट होना पड़ेगा, अच्छा ये चेंज आया है तो मुझे इसको लेना है, इसको एक्सेस करना है। तो उस एक्सेस को करने के लिए उस गांव में इतना ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है कि लोग एक पेंशन लेने के लिए उनको कितनी ज़्यादा क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है, किस तरीके से वो लोग उस एरिया में काम कर पा रहे हैं, जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जो CSC में काम कर पा रहे हैं लोग, उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है लोगों को कन्विंस करना कि आप आओ हमारे पास काम करवाओ, अब आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों के भी अनुभव जानने को मिले, सीखने को मिला कि डिजिटल कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक ग्रामीण क्षेत्र में, कि वहाँ पर अगर वो डिजिटल का एक्सेस होगा देन वो आगे की दुनिया से और कनेक्ट हो पाएंगे। अगर उनके पास वो डिजिटल नहीं है तो फिर उनके लिए वो बाहर जाना भी बहुत मुश्किल है, कम से कम उनके पास वो एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो बाहर जा पा रहे हैं। अगर उनको बोला जाए कि आप हैदराबाद चले जाइए, वहाँ पर कुछ हो रहा है या फिर आपको देखना है या प्रधानमंत्री जी आए आपको देखना है, तो वो इच्छा कहीं ना कहीं ऐसे दब सी जाती है कि यार मेरे पास तो कुछ ऐसा संसाधन ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी। लेकिन एक डिजिटल एक ऐसा माध्यम है कि मैं डायरेक्ट उनको एक्सेस कर पा रही हूँ यहाँ पर बैठ के, तो वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत हेल्पफुल है। तो काफ़ी लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जिससे मदद मिली जानने में और समझने में।
डिजिटल चेंज लीडर बनने में इस तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ उस एक डेढ़ महीने में कि जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ और जो मेरी लीडरशिप है वो और ज़्यादा निखर के आई, और ज़्यादा मैंने अपनी लीडरशिप पे काम किया, अपनी लीडरशिप को पहचाना कि एक सिर्फ ऐसी एक यही लीडर नहीं है कि अगर मेरे अंडर में चार लोग काम कर रहे हैं या मैं उनको देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अपने आप को इस तरीके से महसूस किया कि किस तरीके से मैं लोगों के अनुभवों को जान पा रही हूँ, कैसे उनकी चीज़ों को समझ पा रही हूँ, कैसे एक इंटरसेक्शनैलिटी जो नज़रिया है वो मेरा डेवलप हुआ वहाँ पर, कि किस तरीके से मैं उन चीज़ों को देख पाऊँगी, समझ पाऊँगी। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे और युवा नेता, युवा लीडर्स तैयार होंगे अगर मैं इस चीज़ को अगर कंटिन्यू करती हूँ और काम करती हूँ, तो मेरे जैसे और मैं लीडर्स को तैयार करने की कोशिश करूंगी जो एक्सेस कर पाए, एक्सेस करवा पाए और काम कर पाए। रूरल इमर्शन में जब मैं नुहू में थी तो वहां पर 31 जुलाई को कुछ ऐसे सामुदायिक हिंसा हुआ, और उस टाइम पर मैं फील्ड में थी और फील्ड से जस्ट वापस आई तो फिर पता चला कि जिस एरिया में मैं रह रही हूँ उस पूरे एरिया में वो हिंसा बहुत ज्यादा ऐसे बढ़ चुकी है। तो एक दिन बीता और बीतने के बाद फिर शाम को ऐसा हुआ कि आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा। तब वो एक ऐसा एलिमेंट था तो समझ में, मतलब इंटरनेट के बिना रहना क्या होता है वो मैंने कभी नहीं सोचा था। वो एक ऐसा टाइम था जब मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं किस तरीके से सर्वाइव करूँगी। वो चीज़ सर्वाइव करना मेरे लिए इतना टफ हो गया था कि इतना ज़्यादा मैं प्रेशर में थी कि मैं कनेक्ट कैसे करूँ, मैं बात कैसे करूँ, अगर मुझे एक पिक्चर भेजनी है या फिर वहाँ पर क्या हो रहा है मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, मुझे भेजने में कैसे भेजूँ, मैं कैसे भी दिखाऊँ कि मेरे साथ में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसे ये मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ थी। दूसरा ये कि उस टाइम पे मैंने बहुत करीब से देखा कि जो फेक न्यूज़ है ना वो कितनी तेज़ी से स्प्रेड हो रही है, कितनी ज़्यादा तेज़ी से। मैं जहाँ रह रही थी वहाँ आसपास में ही जो युवा लोग थे वो पता नहीं कैसे कुछ एक्सेस कर पा रहे थे वाईफाई के ज़रिए और दूसरी चीज़ों के ज़रिए, वो गलत गलत न्यूज़ बना रहे थे और उसको स्प्रेड कर रहे थे, और जो वहाँ की कम्युनिटी थी वो उसको एक्सेस कर रही थी अलग अलग तरीक़ों से, वाईफाई से और अलग अलग चीज़ों से, तो वो उसको देख रहे हैं। तो उस टाइम पे समझ में आया कि जो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा है ना वो कितनी तेज़ी से फैलाया जाता है, अगर वो छोटी सी भी चीज़ होगी तो उसको कितनी बड़ी तरीके से उसको फैलाएंगे, कितनी बड़ी तरीके से उसको लोगों तक पहुँचाएंगे कि कितनी बड़ी बात हो गई है। रूरल इमर्शन में मैं जब नुहू में थी तो मैं कई सारी फैमिलीज के घर में ऐसे रैंडम जाकर लोग बात करते थे, मिल के आते थे। तो एक फैमिली थी तो उनका जो अम्मा थी वो 70 साल की थी, लेकिन उनका जो आधार कार्ड था उसमें वो 30 साल की थी, तो और जो उनका वाटर कार्ड था उसमें वो 70 इयर्स की थी, तो उनका वो मैच नहीं कर रहा था तो उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं उनके घर में गई, मैं बात करने लगी कि हम टाई से आए हैं और जो स्मार्ट पुल प्रोजेक्ट चलता है उसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो हम आपको देखने आए आप क्या काम करते हैं। तो वो डायरेक्ट उन्होंने हमें अपने घर में बिठाया और अपने घर से सारे पन्नी लेकर आए, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सारा मेरे सामने निकाल दिया और कहते हैं ये देखो मेरा आधार कार्ड ऐसा है, मेरा ये वोटर कार्ड ऐसा है, हमें पेंशन नहीं मिल रही, चलो तुम पेंशन दिलवाओ। तो वो एक ऐसी चीज़ थी ना कि उसको समझना कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये किस तरीके से हमको देख रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं हमारे लिए, वो एक हाई पॉइंट था मेरे लिए कि मुझे उनको समझाना है, उनको कन्विंस करना है कि अच्छा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें गलती है इसीलिए नहीं हो रहा, और वो उस चीज़ को नहीं समझ रहे थे। तो उसको समझाने में थोड़ी मेहनत लगी लेकिन वो समझ गई। DEF का जो स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम गांव में, हर गांव में एक सेटअप दे रहे हैं जहाँ पर उनको पूरा CSE मिल रही है, जहाँ पर उनको लैपटॉप प्रिंटर्स मिल रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन मिल पा रही है, डिजिटल लिटरेसी की क्लासेस मिल पा रही हैं, वो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं वहाँ पर, और अगर उनका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, उनका उनके गाँव में हो जा रहा है। इनफैक्ट आधार कार्ड भी अगर बनवाना है तो वो उनके गाँव में बन रहा है। तो ये जो सुविधाएँ हैं जो इनको स्मार्टफोन के जरिए मिल पाई हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन गाँव वालों के लिए और उस पूरी कम्युनिटी के लिए। तो ये मेरे को काफी ज्यादा प्रभावित किया। मुस्तकीम थे, देसी गांव में रहते हैं वो, और वो बताते, उन्होंने बताया कि जब स्टार्टिंग में स्मार्ट फोन प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उनकी ट्रेनिंग हुई, तो कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया और उनको लेकर के आया गया।
तो उनको सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सामने से इंटरेस्ट शो किया कि अच्छा मुझे ना सीखना है, बस आप मुझे लो मत, मुझे बस सिखा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ सीख लो, तो वो ट्रेनिंग का पार्ट हुए, उन्होंने सीखा। और मतलब उनका लक इतना अच्छा था, वो बोलते हैं कि जैसे किसी और को वो सेटअप मिलने वाला था तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मेरे पास जगह नहीं हो रही तो मैं नहीं लूंगा, और वो मुस्तकीन को मिल गया। तो मुस्तकीन ने अपने घर पे ही वो सेटअप शुरू किया और अपना काम करना शुरू किया। आज 2018 में उन्होंने काम करना शुरू किया, 2023 चल रहा है, आज उनके पास रोड पर उनकी खुद बड़ी शॉप है, बहुत अच्छे से वो काम कर पा रहे हैं, खुद का घर बनवाया उन्होंने और बहुत सारी चीजें उन्होंने उस स्मार्टफोन प्रोजेक्ट से शुरू करी है। और आज वो अकेले काम नहीं कर रहे अपनी शॉप में, दो लड़के और है जो उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो वो खुद भी उन्होंने अपने अंदर बदलाव लाया है और साथ में जो उनके साथ में काम कर रहे हैं उनके अंदर भी वो बदलाव लेकर आ रहे हैं कि वो लोग अपना ओन स्टार्टअप कर पा रहे हैं उन चीजों से। तो वो मेरे को काफी प्रभावित किया वहां पे।